अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदी जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के रोज़े में बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, तो बाज़ जो है मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया करें, तो सहरी के टाइम दही का इस्तेमाल करें और शाम के टाइम जो खीरे वगैरह और ये सलाद वगैरह का इस्तेमाल किया करें, तो आपको जो है गर्मी महसूस नहीं होगी। गर्मी का तोड़ है जो हम खीरे का इस्तेमाल करते हैं, तो गर्मी की वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है बाज़ लोगों को, तो इसका भी एक हल है। आप इलायची का इस्तेमाल किया करें, इलायची की ये जो है शरबत बनाकर आप इस्तेमाल करें, इसमें खुश्की जो आपको नहीं होगी। इलायची का शरबत बनाना बहुत आसान है, मैं पिछली वीडियो में आपको जो है बता चुकी थी कि इलायची का शरबत कैसे बनता है, तो ये आप बनाकर इस्तेमाल करें। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इलायची छोटी का आप शरबत बनाएंगे तो ये आपको सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी, इससे आप रोज़ अफ्तार करें। तो आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के मुझे जो है बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिले कि बाजी हमारा कद छोटा है, तो कद बड़ा करने के लिए हमें कोई नुस्खा बता दीजिएगा। आज मैं नुस्खा लेकर आई हूँ कद बड़ा करने के लिए। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे भी कद जिन लोगों का बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वो कोई चीज़ को पकड़ के लटका करें। लटकने से जो है हमारे वजन में ये जो है बहुत ज़्यादा, जिन लोगों का बच्चों का बाद छोटी उम्र में होते हैं बच्चों का वजन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके कद भी छोटे होते हैं, तो वो लोग जो है अपने वजन में कमी भी करें और जो है किसी चीज़ को पकड़ के लटका करें, इसमें जो है हमें आपको परेशानी नहीं होगी, तो आपका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। बगैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे। रस्सी कूदा करें, भाग दौड़ किया करें और रेस में हिस्सा लिया करें, तो इस तरह जो है अगर आप काम करेंगे तो जो भी जिंदगी के अंदर आपके काम है इस तरह के, बैठे रहने से हमारा वजन भी बढ़ता है और हमारा कद भी छोटा रह जाता है। तो आपने वॉक करनी है, कोई भी बंदा हो तंदुरुस्त है या बीमार है, वो लोग वॉक जरूर किया करें। वो लोग वॉक नहीं करते तो हमें बीमारियां घेर लेती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे 22 साल के बाद, हमारा 21-22 साल के बाद में हमारा कद बढ़ना बंद हो जाता है, इसलिए जो बच्चे भी 18-19 साल के हैं, 17 साल के हैं, 15-16 साल के हैं, वो मेरे नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने लेना है तबाशीर, जो आपके सामने मौजूद है, तबाशीर का आपने इस्तेमाल करना है। ये इस तरह की तबाशीर है, ये देख सकते हैं, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद मिश्री का आपने इस्तेमाल करना है, बहुत कम चीज़ें हैं, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। मिश्री का आपने इस्तेमाल करना है, तो इसके बाद आपने इन चीज़ों का पाउडर बना लेना है। तबाशीर आपने 50 ग्राम लेनी है और मिश्री आपने 100 ग्राम लेनी है। अब इन दोनों चीज़ों का पाउडर बनाएं, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच रात को लें, और तबाशीर का पाउडर जब अच्छे तरीके से बन जाए तो मिश्री का भी आपने पाउडर फाइन कर लें ताकि आपको आसानी हो खाने में। तो रस्सी भी आप कूद सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप परहेज जरूर कीजिएगा और इन बातों पर अमल करें जो मैंने बताई हैं, यानी कि रस्सी कूदना और इसके बाद जो किस चीज़ को पकड़ कर लटकना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दवाई आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका तेज़ी से कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। ग़िज़ाई इलाज भी करें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल किया करें। जब हमारी खुराक अच्छी होगी तो हमारा कद बढ़ना शुरू हो जाएगा, हमारे बाल मजबूत होंगे। जो लोग सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका कद बहुत अच्छा बढ़ता है, तो आपने ग़िज़ाई इलाज ज़रूर करना है। दूध का इस्तेमाल करें, कैल्शियम की कमी को दूर करता है, दूध हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, तो हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं जब हमारा कद बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ये हम नहीं जानते कि ये हमें हमारा कद नहीं बढ़ा है, इसके साथ हमें बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा घेर लेती हैं। तो ठीक है, आपने मेरे नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के कामयाब नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। अपना हम घर वाले का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही बाजी बहन को इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।